बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस 15वें लेक्चर में हम पांच जो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम जो फाइव किंगडम सिस्टम है जो रॉबर्ट व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये फाइव किंगडम सिस्टम है इसमें जो सबसे पहला और सिंप्लिसिटी के लिहाज से सबसे पहला जो किंगडम है वो किंगडम मुनीरा है। इसी किंगडम प्रूकरिया की भी कहा जाता है। किंगडम मुनीरा में तमाम प्रूकरिया शामिल होंगे। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होंगे और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिल्कुल नहीं होंगे। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स है, फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सब के सब किंगडम मुनीरा में एब्सेंट होंगे। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल नहीं होगा। इसके अलावा जो सिल्वान है इसमें ये सेरोस का बना नहीं होता बल्कि ये म्यूरिन का बना होता है जो इसका सिल्वाल है। और म्यूरिन जो है वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड यानी पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड मिलके सिल्वाल बनाते हैं इसका, और जो सिल्वाल इसका है वो इसी म्यूरिन कहा जाता है। इसके अलावा जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटरोट्रॉपिक है बट सम प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस और बाय कीमोसिंथेसिस, यानी इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मोस्टली हेटरोट्रॉपिक है, खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, लेकिन बाज मेंबर्स इस फैमिली इस किंगडम के वो खुद खुराक तैयार कर सकते हैं या तो फोटोसिंथेसिस के जरिए जो लाइट मिलती है सन की तरफ से, सूरज की जो शुआएं हैं, इसके अलावा कीमोसिंथेसिस के तरीकाकार भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके जरिए खुराक तैयार कर सकती है, इसी कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। केमिकल से जो खुराक तैयार करती है इसी कीमोसिंथेसिस कहा जाता है। इसके अलावा डीएनए जो है इसका चूंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं है तो इसका डीएनए सेंट्रल स्पेस यानी सेंटर का जो जगह है सेल में इसमें मौजूद होगा, और इसी जो सेंट्रल पार्ट है इसी न्यूक्लियाइड कहा जाता है। न्यूक्लियाइड में डीएनए मौजूद होगा जो जेनेटिक मटीरियल है। इसके अलावा जो सेल का साइज है एंड डायमीटर वो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर और माइक्रॉन तक इसकी डायमीटर है सेल की। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्जी जिसे सयानो बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मुनीरा हो गए। इसके बाद जो किंगडम है वो किंगडम प्रोटेस्टा है, और किंगडम प्रोटेस्टा में यूनिसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होगी, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल नहीं होंगे। यहाँ पे जो सेल होगी वो यूकैरियोट्स होगी यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स इसमें मौजूद होंगे। इसके अलावा जो टिश्यू लाइक सेटलमेंट है, टिश्यू लाइक अरेंजमेंट है, वो बिल्कुल एब्सेंट है इसमें, या तो यूनिसेलुलर है या कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अलावा सम हैव क्लोरोफिल व्हाइल अदर्स डू नॉट हैव, जो जिसके बाद मेंबर में क्लोरोफिल मौजूद होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और बाद में क्लोरोफिल मौजूद नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, और वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसका होता है। इसके अलावा ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं यानी वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, या मोइस्ट प्लेसेस में नमी वाली जगह में रहते हैं। पूरी अर्थ में पूरी जमीन पे ये मोइस्ट वाले जगहों पे पाया जाता है और खुश्क जगहों में ये मौजूद नहीं होता। इसकी जो मिसाल है वो प्लाज्मोडियम है, यूग्लिना है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट भी है, तो ये इसकी एग्जांपल्स है। इसके अलावा जो तीसरा किंगडम है कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। सबसे जो सिंपल था वो मुनीरा था, फिर इससे कुछ कॉम्प्लेक्स हो प्रोटेस्टा, और इससे भी अब कॉम्प्लेक्स फंजाई है। फंजाई में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे, और जिन जो ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में शामिल है वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है, मगर तमाम की तमाम यूकैरियोट्स है, ट्रू मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनिल्स इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा लैक क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये हेटरोट्रॉपिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन है यानी खुद खुराक तैयार नहीं कर सकते, या तो ये सेप्रोपाइट्स है और पैरासाइट्स है। सेप्रोपाइट्स मतलब कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे खुराक जो है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, और पैरासाइट्स है
जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहते हैं और उनसे खुराक हासिल करते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। इसके अलावा ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये एब्जॉर्प्शन एंगल्पिंग का नहीं है, किसी और तरीके से खुराक नहीं खाती, बल्कि ये एब्जॉर्प्शन यानी जिस जगह पे मौजूद हो तो वो फूड एब्जॉर्ब करती है अपनी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसमें। सिल्वा जो इसका है वो काइटिन का होता है, जो प्रोकैरियोट्स का था वो म्यूरिन का था, यहाँ पे जो सिल्वाल है वो काइटिन का बना होता है। दे आर गुड डिकम्पोजर्स, इसी वजह से ये स्केवेंजर्स ऑफ अर्थ भी है, ये जमीन को साफ करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, तो इसी वजह से ये डिकम्पोजर्स है। इसके अलावा ये नॉन मोटाइल है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ये हरकत नहीं कर सकते, इसलिए इसी नॉन मोटाइल कहा जाता है। इसकी मिसाल मशरूम है, इसके अलावा यीस्ट है जिसे हम खमीर कहते हैं, इसके अलावा रस्क है और स्मट है, ये जो मुख्तलिफ पौधों में पौधों की जो फूल वाली बॉडीज होते हैं इसमें, फ्रूट वाली बॉडीज इसमें होते हैं, तो ये मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा जो मोर कम्प्लेक्स है इससे फंजाई से मोर कम्प्लेक्स वो प्लांट ही है और इसमें प्लांट्स शामिल है। इसके अलावा मल्टीसेलुलर है, ये यूनिसेलुलर इसमें नहीं है, ये सिर्फ मल्टीसेलुलर है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोकैरियोट्स भी नहीं है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस की वजह से इसे हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, खुद खुराक तैयार करते हैं। इसके अलावा जो इसका सिलवाल है वो सेलुलोज का बना होता है, ये नॉन लोकोमोटिव यानी नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ये हरकत नहीं कर सकते। इसके अलावा ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीकों से यानी दो पेरेंट्स की मिलाप से जो पैदा होते हैं इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, तो इसमें नर और मादा की पहचान भी होती है बाद में, और बाद में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड जो है वो भी होता है, बाद में दोनों भी कंबाइन भी होते हैं। इसकी मिसाल फॉर एग्जाम्पल वीट, गंदुम है, शुगर कैन है, मोसिस है, फर्न्स है, एक्सेट्रा, ये तमाम इनमें शामिल है। जो आखिरी और सबसे कम्प्लेक्स किंगडम है इन फाइव किंगडम सिस्टम में, ये एनिमेलिया है, इसमें मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल होंगे, इसके जो मेंबर्स है वो तमाम के तमाम मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स होंगे। इसके अलावा बाकी की तरह इसमें सेलवाल नहीं है, प्लांटी में सेलवाल है, फंजाई में सेलवाल है, तो यहाँ पे सेलवाल एनिमिलिया में नहीं है, से एब्सेंट सेलवाल, जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है। इसके अलावा क्लोरोफिल भी इसमें नहीं है, तो क्लोरोफिल की गैर मौजूदगी की वजह से इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हेटरोट्रॉफिक है और ये लोकोमोटिव होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मोस्टली हरकत कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो मूड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनटेक ऑफ फूड यानी खुराक किस तरह लेते हैं, तो इंजेस्ट फूड, खुराक को इंजेस्ट करते हैं मुंह के जरिए और फिर इसमें जो अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा इसको बैक बोन के जरिए की बुनियाद पर, वर्टिब्रल कॉलम की बुनियाद पर इसको दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, एक है वर्टिब्रेट्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें वो एनिमल्स जिसमें बैक बोन होगा तो इन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, और जिनमें बैक बोन नहीं है, लैक बैक बोन, तो इसे इनवर्टिब्रेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल स्टारफिश और अर्थवर्म ये इनवर्टिब्रेट्स है, बर्ड्स और मैमल्स ये वर्टिब्रेट्स है।